नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो कि दोस्तों Part-01 होगा। और दोस्तों इसमें हम लोग कुछ सिंपल से इजी कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए काम करता है 10 दिनों में, ओके दोस्तों, और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और इसको सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क जो आएगा हमारा वो एलसीएम मेथड से आएगा। तो 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा वो 30 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, ओके दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इनका निकालेंगे ए और बी का वन डे वर्क, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर पाएंगे। तो हम लोग इसका वन डे वर्क निकाल लेंगे। तो ए का वन डे वर्क आ जाएगा 3। कैसे आया दोस्तों, ए का जो वन डे वर्क आएगा दोस्तों 3 आएगा। तो 10 का हम लोग अगर डिवाइड करते हैं टोटल वर्क में, टोटल जो वर्क है हमारा 30, तो 10 का डिवाइड हम लोग करेंगे तो इसका एक दिन का कार्य आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 15 का 30 में डिवाइड करेंगे तो इसका बी का भी एक दिन का कार्य 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ए प्लस बी इजकल टू 5। तो दोस्तों इसमें आ गया ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, मतलब ए प्लस बी एक दिन का कार्य, एक दिन में काम करते हैं 5। तो दोस्तों पूछा गया कि ए प्लस बी दोनों काम पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब एक दिन में 5 काम करते हैं तो जो टोटल वर्क आया, मतलब 30 काम कितने दिनों में करेंगे, 30/5। तो हम लोग कर देंगे 30/5। तो 30 का डिवाइड हम लोग 5 में करेंगे टोटल वर्क से, तो हमारा वो टोटल टाइम आ जाएगा। तो ए प्लस बी जो आया है, मतलब ए प्लस बी का टोटल वर्क आया कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 दिनों में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इजी होगा। तो दोस्तों हम लोग इजी से डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ेंगे तो हम लोगों का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है वो भी सुधरेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ए कोई काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकेंगे। मतलब इन दोनों का एक दिन का काम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो डाटा दिया उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ए काम करता है 18 दिनों में और बी करता है ए के आधे, मतलब 9 दिनों में काम करता है, मतलब ए का आधा काम करता है, मतलब ए 18 दिनों में कर रहा है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दिनों में बी काम कर रहा है। तो हम लोग इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 18 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 18 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 18। अब ए और बी का हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए का हम लोग ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 18 में 18 का डिवाइड कर देंगे। तो जो दोस्तों टोटल वर्क आया है उसमें हम लोग 18 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए का एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए का एक दिन का कार्य हो गया 1। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, 18 में हम लोग 2 का डिवाइड कर लेंगे तो एक दिन का कार्य आ गया 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1+2। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1+2। तो इसको हम लोग 1+2 को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य आ गया 3। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी क्रम से उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जो डाटा दिया उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ए का एक दिन, ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में और सी काम करता है 12 दिन में, ओके दोस्तों डाटा दिया है। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो दोस्तों 10 और 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम लोग ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से तो ए का एक दिन का कार्य हो गया 6। अब 15 को 60 में डिवाइड करेंगे तो बी का एक दिन का कार्य हो गया 4। अब 12 को 60 में डिवाइड करेंगे तो सी का एक दिन का कार्य हो गया 5। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 15।
अब ये पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम लोग जब एक दिन का कार्य है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है 15, तो 15 कार्य करते हैं तो 60 कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 60/15 हो जाएगा। तो 60/15, तो 15 का डिवाइड करेंगे, 15 से काटेंगे 60, तो 4 दिन आ जाएगा। तो जो ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम करेंगे वो 4 दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, ए व सी इसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए बी व सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले जो डाटा दिया उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ए प्लस बी काम करते हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी काम करते हैं 15 दिनों में, और ए प्लस सी काम करते हैं 20 दिनों में। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 60 जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम लोग ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, वनडे वर्क निकालेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 5, क्योंकि 60 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 4, सी प्लस ए का एक दिन का कार्य 3। अब हम लोग इनको जोड़ देंगे, एडअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a + b + c = 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य आ गया 6। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 कार्य करते हैं एक दिन में, तो 60 कार्य कितने दिनों में करेंगे, 60/6। तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम करते हैं 10 दिनों में। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने केवल 5-4 क्वेश्चन किए हैं जो कि इजी थे। अब हम लोग दोस्तों इसके Part 2 में कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि इजी टू डिफ़िकल्ट होंगे, और जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे भी जाएंगे और पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।